रिहाई की राह पर पूर्व सांसद आनंद मोहन निकल गए हैं। निकलते हुए मुस्कुरा रहे हैं। सफेद झग पैंट, लाइट शर्ट और आंखों पर चश्मा पहने आनंद मोहन की मुस्कान बताने के लिए काफी है कि सरकार मेहरबान है, तो फिर ये पूर्व सांसद भी अब खुली हवा में सांस ले सकेगा, वोटरों को अपने पक्ष में कर सकेगा। पूर्व सांसद IAS जे कृष्णैया की मौत के मामले में सजा काट रहे थे। सरकार ने एक आदेश पास किया और विवाद शुरू हो गया। बीजेपी को इस विवाद में कुछ सूझ नहीं रहा। दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं, तो बिहार गए बीजेपी के नेता आनंद मोहन को बलि का बकरा बता रहे हैं। मेरे ख्याल से आनंद मोहन जी की रिहाई, वो बेचारे तो बलि के बकरा हैं, वो तो इतनी सजा भोगे हैं, उनकी रिहाई पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आनंद मोहन जी के आड़ में जो काम किया है ये सरकार, समाज कभी नहीं माफ करेगा। गिरिराज सिंह आनंद मोहन की रिहाई के समर्थन में है, लेकिन इस 27 कैदियों की रिहाई का विरोध कर रहे हैं और नीतीश सरकार के इस आदेश पर सवाल भी उठा रहे हैं। सवाल लेकिन बड़ा है कि एक ही कानून किसी एक के लिए अलग और दूसरे के लिए तो अलग हो ही नहीं सकता। लेकिन बड़ा सवाल उससे इतर ये भी है कि जी कृष्णैया का परिवार क्या इस रिहाई से खुश है? जी कृष्णैया की पत्नी यही तो सवाल उठा रही है कि क्या वोट के लिए सरकार का ये फैसला है? वो तो डिसीजन तो रॉन्ग डिसीजन है। उसको एक अच्छा ऑफिसर को बेमतलब से मार दिया तो उसको कैसा पनिशमेंट मिलना चाहिए? कम से कम पॉलिटिशियन से सोचना चाहिए, चीफ मिनिस्टर सोचना चाहिए एज ए चीफ मिनिस्टर। और वो अकेले नहीं है, सारा लोग भी उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए, नॉट ओनली फ्रॉम दलित कम्युनिटी, अदर कम्युनिटी से भी उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए, इंक्लूडिंग राजपूत कम्युनिटी। वो आनंद मोहन राजपूत कम्युनिटी है बोल के वो लोग उसको मदद नहीं देना चाहिए। हम सोचते हैं वो लोग भी मदद नहीं करेगा, अच्छा लोग हुआ तो। बीजेपी इस मुद्दे पर दोनों पक्ष ले रही है। दिल्ली में बैठे दिग्गज आनंद मोहन की रिहाई की दबी जुबान से विरोध कर रहे हैं, तो वहीं बिहार के नेता आनंद मोहन के समर्थन में बोल रहे हैं। इस आदेश के बाद कई और कैदियों की रिहाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में क्या आनंद मोहन की रिहाई बिहार में और कैदियों की जेल से बाहर आने के लिए रास्ते को खोलेगी? सुजीत गुप्ता के साथ अब्दुल बशीर की रिपोर्ट, बिहार तक।